कमान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग करेंगे SOC 301 का लेसन नंबर 27। इसमें है फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क, मेडिकल सोशल वर्क, MSW। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसमें अब इसके रोल्स बता रहे हैं। रोल्स क्या हैं MSW के, मतलब कि मेडिकल सोशल वर्कर के क्या रोल्स हैं वो हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एज अ टीम काम करें डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ एज अ टीम काम करें, उनके और पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेट करें और उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ कोऑर्डिनेट करें और उनके हॉस्पिटल की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें जो सोशल वर्कर है, ठीक है। और जो फैमिली है, पेशेंट की फैमिली है, उसको उनका नाम में कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है अगर उसको उसके बारे में नहीं पता, उसको उसके बारे में समझाए, उस जिस भी लैंग्वेज में वो समझ सकता है। पेशेंट अगर पंजाबी है तो उसको मतलब उसके मुताबिक समझाए, आसान तरीके से समझाए, आसान लैंग्वेज में, मतलब कि पेशेंट को जो है ना वो समझाए और पेशेंट को साथ पेशेंट को मदद करे कि वो इस इलनेस से या किसी भी डिसेबिलिटी से मैं अपने आप को एडजस्ट कर सके, इमोशनली उसको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग कर दे, उसके सोशल कंडीशन को असेस करे पेशेंट के और उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करे और उसको क्या नाम है तरीके ढूंढे कि वो फाइनेंशियली मैनेज कर सके अपनी वो इलनेस, और उसके लिए रिसोर्सेज निकाले उसकी ट्रीटमेंट के लिए और फैमिली को भी सपोर्ट करे किसी भी तरह। मतलब कि जैसे कि हम देखा होगा कि किसी तरह कभी वो मेडिकली भी चाहिए होती है मदद, तो दिस ग्रुप ये ब्लड ग्रुप चाहिए, और उसके अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि ये बंदा इतना बीमार है, इसको इतने फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। देखें अरेंज फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा जी, और गवर्नमेंट से भी वो ले सकता है, मतलब कि सपोर्ट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, उसका इकनॉमिक बेसिकली जो इकनॉमिक उसके ऊपर प्रेशर होता है ना वो उसकी फैमिली पे वो रिड्यूस करे उसके लिए, और जो उसको बताए कि अगर अच्छा ये अगर आपको डिसेबिलिटी हो गई है तो कुछ नहीं होता, उसको उसको ऐसे स्ट्रॉन्ग कर दे, उसको बताए कि इस डिसेबिलिटी की जो है ना बेनिफिट्स भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से और वो हम लोग लेंगे, वो उसको बेनिफिट्स लेने में हेल्प भी करे और उसको इलनेस के बारे में बताए, मतलब कि उसकी जो भी बंदे को भी जो भी किरदार है ना, फॉर एग्जांपल अगर वो हस्बैंड है, वाइफ है, मतलब के फादर है, जो भी है मदर है, उसको वो हेल्प करे किसी तरह से, वो उसको दोबारा से मतलब कैरी आउट कर सके उनको उस बीमारी के साथ। कोई भी जो बंदा डिसेबल हो गया या उस बीमारी का शिकार हो गया, उसको उसको एडजस्ट करना बताया कि अब वो वैसा हो गया, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि वो अब वो उस एनवायरनमेंट में अपने एनवायरनमेंट में अपने नए मतलब साथ एडजस्ट हो सके, और पेशेंट्स को इनकरेज करे कि वो किसी का मोहताज ना हो, और डॉक्टर के साथ फिर वो ऐसे डॉक्टर के साथ मदद करे कि डिस्चार्ज की प्लानिंग कैसे करें, और पेशेंट को भी और उसके फैमिली मेम्बर्स को भी इसी सोशल वर्क में मतलब कि इन्वॉल्व करें। कह रहे हैं कि फिर पेशेंट की जो ट्रांजिशन है हॉस्पिटल टू कम्युनिटी वो मेंटेन करें, उसके साथ मदद करें और कम्युनिटी और हेल्थ सर्विसेज के साथ भी उसके हेल्प करें, और फिर जो फैमिली है उसको ऐसे छोड़ना दे, उसको फॉलोअप करें बाद में ट्रीटमेंट के बाद में ट्रीटमेंट में भी, और कह रहे हैं टू डू फॉलोअप विद फैमिली सो एज टू स्टेबलाइज द गेन मेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। यानी कि फैमिली के साथ फॉलो अप करेगी वो जो भी उसको से मतलब उसको गेंस कहेंगे क्या नाम है कोई भी चीज़ मिलती है, मतलब कि कोई भी अगर जैसे ऊपर हमने पढ़ा था गवर्नमेंट की तरफ से वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अलाइंस वगैरह मिले तो उसको गेंस उसको करने में उसकी मदद करे, उसको उसको कहते हैं केस वर्क, उसको कहते हैं इसमें जो है ना कह रहे हैं कि केस वर्क भी इंक्लूड होता है, और केस वर्क किसको कहते हैं वन ऑन वन काउंसलिंग को कहते हैं, ग्रुप वर्क भी कहते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, और फिर लोगों से उनके घरों में जाके मिले, ठीक है। और के अब ये जो इलनेस तो हो गई है, ठीक है, अब इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, उसकी जो भी बीमारी है उसको ट्रीटमेंट क्या आएगा सब कुछ बताए, उसके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करे कि वो लोगों में ये बताए पीपल्स पार्टिसिपेट इन हेल्थ केयर, और उनको बताया कि हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में जो है ना वो कैसे मतलब कि आना चाहिए, मतलब कि इसके बारे में जो है ना उनको उसके बारे में अवेयर करें, और लोगों को बताए टू एजुकेट के इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी, इनके साथ लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, और उनको बताया कि अब ये जो बंदा बीमार हो गया है इसके साथ आप कैसे आपने एडजस्ट करना है, उनकी
डिसेबिलिटी हो गई है, तो बस सही है आपने इनका क्या नाम है मजाक में उड़ाना। मेडिकल सोशल रिसर्च में पार्टिसिपेट करे, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में काम करे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेडिकल वर्कर्स की, मेडिकल सोशल वर्कर में जो स्टूडेंट जो काम कर जो पढ़ रहे होते हैं मेडिकल्स के बारे मेडिकल के बारे में, उनकी उनकी ट्रेनिंग में हेल्प करे, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे पेशेंट को, मतलब कितना वही जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं उन लोगों को जिनको ऑपरेशन की जरूरत है या कोई भी सीरियस बीमारी में जो है ना वो मुबतला है। उसके बाद है मेडिकल सोशल वर्कर इन यूके एंड यूएसए, कह रहे हैं कि जो मेडिकल सोशल वर्कर हैं ब्रिटेन और आयरलैंड में, उनको पहले हॉस्पिटल आलमनर्स या लेडी आलमनर्स के साथ कहा जाता था अनटिल द प्रोफेशन वो, जब तक कि जो है प्रोफेशन को ऑफिशियली कह दिया गया सोशल मेडिकल सोशल वर्क इन 1960, पहले उसको उनको कहा जाता था लेडी आलमनर, लेडी आलमनर या हॉस्पिटल आलमनर्स कहा जाता था, ठीक है। लेकिन 1960 के बाद जब इसको सोशली सोशल मेडिकल वर्क के नाम, मेडिकल सोशल वर्क के नाम से उनको चेंज किया गया नाम, तो उन्होंने फिर नाम उसके मुताबिक रख लिया। इन 1895 मैरी स्टीवर्ट जो है ना वो फर्स्ट लेडी बनी थी, फर्स्ट लेडी आर्मर इन ब्रिटेन, और इनकी पहली अपॉइंटमेंट कहाँ थी, रॉयल फ्री हॉस्पिटल में इन लंदन में, 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स का ट्रायल पीरियड हुआ था जिसमें इनकी जो है ना अपॉइंटमेंट हुई थी, ठीक है। ये हुआ था 1895 में, फर्स्ट लेडी कौन थी, लेडी आर्मर मैरी स्टीवर्ट ब्रिटेन में हुई थी, और इनका अपॉइंटमेंट हुआ था रॉयल फ्री हॉस्पिटल लंदन में। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि फिर याद रहे। एक है एनी क्यूमिस नोन एज द मदर ऑफ ऑल मेंस, ये बात याद करने वाली है, मैरी स्टीवर्ट को कहा था फर्स्ट लेडी आर्मर, और एनी क्यूमिस को कहा गया था मदर ऑफ ऑल मेंस, एनी क्यूमिस मदर ऑफ ऑल मेंस, और उनको लेडी फर्स्ट लेडी आर्मर, ठीक है, कहा गया था। उन पर जो है ना ऐसी एबिलिटी एंड फंडिंग टू फर्स्ट एस्टैब्लिश अ कम्प्रहेंसिव सोशल वर्क, उनके पास इतनी फंडिंग थी, इतनी उनके पास एबिलिटी भी थी कि वो जो है ना सोशल कम्प्रहेंसिव सोशल सर्विस जो है ना उन्होंने फिर खोली, किस पर खोली, स्टीव थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन इन 1901, इसमें 1901 में उन्होंने खोली। ये जो है ना सोशल और पब्लिक जो हेल्थ है वो कब एमर्ज हुई थी, वो 19th सेंचुरी में एमर्ज हुई थी, किसने एमर्ज की थी, जॉन स्नो ने एमर्ज की थी, ठीक है। इन 1945 में क्या हुआ था, इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल मेंस वो फॉर्म, मतलब कि इनको पढ़ाने का एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुआ था, जो कि 1965 में दोबारा उसका नेम चेंज करके गया, मतलब कि जैसे नेम चेंज हुआ उनका तो फिर उन्होंने इंस्टीट्यूशन का नाम भी चेंज कर दिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर्स जो है ना नाम रख लिया, क्योंकि 1960 में जब नाम ऑफिशियली चेंज हुआ तो फिर उन्होंने 1964 में ही अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी चेंज कर दिया। इन ब्रिटेन मेडिकल सोशल वर्कर्स, अच्छा जो है ना ब्रिटेन में क्या हुआ था, जो मेडिकल सोशल वर्कर्स है ना उनको ट्रांसफ़र कर दिया था नेशनल हेल्थ सर्विस में, NHS में, लोकल अथॉरिटी जो कि लोकल अथॉरिटी थी सोशल सर्विस डिपार्टमेंट की 1974 में, और जो कि जनरली नॉन एज हॉस्पिटल सोशल वर्कर, जो कि हॉस्पिटल सोशल वर्कर्स के नाम से जाना जाते हैं। MSW इन US, मैसेचुसेट्स जर्नल हॉस्पिटल वॉज द फर्स्ट अमेरिकन हॉस्पिटल, एक फर्स्ट अमेरिकन हॉस्पिटल कौन सा था, ये नाम अपनी है उसमें पूछा जा सकता है, जो कि जिसमें प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स थे, जो कि 1900 में की पहले की अर्ली 1900 की बात है, ठीक है। उसके बाद गार्नेट पेल्टन, ईडा कैनन एंड डॉक्टर रिचर्ड क्लार्क रोबोट सेंट्रल फिगर्स थे ये HSW के, ठीक है। आगे है कि क्लार्क ने उनकी अप्रोच क्रेडिटेड हिज अप्रोच इज सिमिलर टू द एनी क्यूमिंस, जो कि मदर ऑफ मदर थी, मदर ऑफ एलिमेंट्स थी एनी क्यूमिंस, ठीक है। उनकी अप्रोच को है ना क्रेडिट किया, इनकी अप्रोच को सिमिलरली कहा गया एनी क्यूमिंस की तरह किया लंदन में। कैनन ट्रेंड MSW 1912, कैनन ने कह रहे हैं कि MSW को 1912 में ट्रेन किया, कह रहे हैं कि इनकी जो मेजर ड्यूटीज इनको असाइन की गई इनको वो थी, वो के मैनेजमेंट थी, डाटा कलेक्शन थी, फॉलोअप्स थी, केयर कंडीशंस थे, हेल्थ एजुकेशन थी, फाइनेंशियल असेसमेंट थी एंड डिस्काउंटिंग पेशेंट मेडिकल फीस। 19th सेंचुरी में फिर क्या हुआ, जेन एडम्स एंड लिलियन वाल्स, वो इनका जो काम था ना
उन्होंने बेटर हेल्थ कंडीशन की तरफ उन्होंने अपना काम को किया कि सिटीजन जो भी वहाँ पे शहरी रहते हैं ना, उनका जो भी है ना हेल्थ कंडीशन वो ज़्यादा अच्छे हो जाए उनके। ये और ये सब कुछ इसलिए हुआ उनकी एक्टिविस्ट स्ट्रेटजीज की वजह से हुआ। आगे मेडिकल सोशल वर्कर इन पाकिस्तान। अच्छा जी, पाकिस्तान का कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं यूएनओ को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि एस स्वीडिश MSW मिसेस एना टू टॉल विजिट कराची। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की तो मिसेस एना टॉल ने विजिट किया कराची को 1953 में। फिर 1953 फर्स्ट 53 में क्या हुआ, फर्स्ट MSW वॉज एम्प्लॉयड। उन्होंने फर्स्ट MSW जो है उसको नौकरी दी गई ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल एंड ट्रेनिंग सेंटर पे। ये जो है ना MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ये लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो ज़रूर पूछा जाएगा। कह रहे कि जकात, उसके बाद से ये हुआ कि जकात जो है ना, जब जकात का महीना होता तो लोगों के बैंक अकाउंट से जकात निकाल ली जाती है, ठीक है। मनी कलेक्टर क्या, ये जो जकात की जो निकाली जाती है ना मनी, तो लोगों के पेशेंट्स के जो ना ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। और ये कब से यूज़ होने लगी, 1980 में बैतुल माल का सिस्टम शुरू हुआ। फिर ये जो बैतुल माल में क्या हुआ था कि ट्रांसफ़र ऑफ रिसीट्स फ्रॉम ग्रांट्स एंड टैक्सेस, जिसमें क्या होता था कि टैक्सेस से और लोकल प्रोविंशियल फेडरेशन अथॉरिटीज जो भी है ना उनसे क्या नाम है खराज और सदकात लिया जाता था, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी, ठीक है। 100 MSW यूनिट्स इन पंजाब, पंजाब में 100 हैं, 30 सिंध में है, 4 बलूचिस्तान में, 4 खैबर-पख्तूनख्वा में। मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर इज अपॉइंटेड इन मेडिकल सोशल सर्विसेज प्रोजेक्ट MSSPS, जो कि क्लर्क भी असिस्ट करते हैं और ऑफिशियल ऑफिस अटेंडेंट भी इनको असिस्ट करते हैं। मेडिकल सोशल जो वर्कर होता है ना, 3 जगहों से अपनी फंडिंग लेता है, सरकार डिपार्टमेंट में मेडिक बैतुल माल से और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO से, ठीक है जी। 18 मेडिकल सोशल सर्विसेज और प्रोजेक्ट हैं इनका, लाहौर सिटी में नवाज शरीफ हॉस्पिटल, कोट ख्वाजा सैफ न्यू हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, लेडी विलिंगटन, मियाँ मुंशी हॉस्पिटल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, फातिमा मेमोरियल सर्विस हॉस्पिटल, अच्छा जी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, अनमोल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, शौकत खाना, गुलाब देवी, जना आंसर, गंगाराम हॉस्पिटल। जो है ना इसमें एक इम्पॉर्टेंट थी कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि जी कहाँ थी, कौन से सोर्सेज से जो है ना मेडिकल सोशल और वेलफेयर ऑफिसर जो है ना फंडिंग लेता है, एक जपा डिपार्टमेंट से, एक बैतुल माल और एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। और पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट क्या की थी यूएनओ से कि मिस एना मिचोल विजिट कराची इन 1953 में, और ट्यूबरक्लोसिस के जो उसमें फर्स्ट जो है ना MSW को एम्प्लॉयमेंट मिली थी, इनको जॉब मिली थी। बाकी छोटे छोटे इसमें पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखने पड़ेंगे, अगर आप रीड करेंगे तो ये फाइंड आउट आसान है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब, राइट।